खेसारी ने एक बात कहकर सभी में हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव ने हाल ही में आज तक को एक इंटरव्यू दिया और वहाँ पर इस मीडिया पोर्टल इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो पवन सिंह से पहले बॉलीवुड में कदम रखे हैं, फिर वो चाहे द कपिल शर्मा शो रहा हो, फिर वो चाहे बिग बॉस रहा हो या फिर कोई भी मंच रहा हो, उन्होंने पवन सिंह से पहले वहाँ एंट्री मारी है और वो सफल रहे हैं। अब ऐसे में पवन सिंह के फैंस हैं जिन्होंने इनका ये इंटरव्यू देखा और उसके बाद भड़क गए। उनका ये कहना है कि भले ही खेसारी पहले गए हों लेकिन सभी लाइमलाइट हमेशा पवन सिंह लेकर गए हैं। पवन सिंह का अगर बॉलीवुड होली सॉन्ग आया है तो वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन खेसारी के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ बिग बॉस में खेसारी लाल यादव ज़्यादा नहीं टिक पाए और बहुत ही जल्दी नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया में आ गए और एलिमिनेट हो गए, घर से बाहर हो गए। हाँ, ये बात और है कि खेसारी ने ये कहा कि वो जो गेम है वो मेरे लायक नहीं है, वहाँ निगेटिव पहलुओं को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, मैं मिर्ची प्याज और अचार के लिए नहीं लड़ सकता, वो बहुत ही अलग दुनिया है और मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि खेसारी लाल यादव बहुत ही मजे हुए आर्टिस्ट की तरह यहाँ जवाब दे रहे थे। खेसारी ने यहाँ अलग अलग पहलुओं पर बात की, फिर वो चाहे उनका होली के हुड़दंगई हो गांव में या फिर उनकी बॉलीवुड में एंट्री की बात हो, उन्होंने पवन सिंह को उनके दूसरे बॉलीवुड होली सॉन्ग के लिए बधाइयाँ दी हैं और साथ ही म्यूज़िक डायरेक्टर सलीम मर्चेंट को भी वेलकम टू भोजपुरी कहा है। अब आपको हम यहाँ ये बता दें कि जब से खेसारी ने ये कहा है कि उन्होंने पवन से पहले और बेटर एंट्री मारी है बॉलीवुड में, तब से पवन और खेसारी के फैंस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आप क्या सोचते हैं खेसारी के इस इंटरव्यू के बारे में, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करना।